हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स का रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3। तो फर्स्ट टू लेक्चर्स में हम लोगों ने लाइन से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए और उस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया। आज उसके आगे की बातें हम लोग करेंगे। तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आप दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो स्क्यू लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उस पर बेस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि स्पेस में जो हमारे सिलेबस में दो तरीके के लाइन्स हैं। देखिए, अगर दो लाइन्स ऐसी हों जो ना तो पैरेलल हों ना तो इंटरसेक्टिंग हों, स्पेस में ऐसी दो लाइन पॉसिबल हो सकती हैं जो कि पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्टिंग भी ना हो, ऐसी लाइन को हम लोग स्क्यू लाइंस बोलते हैं। और स्क्यू लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका मैंने कल बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि लाइन पैरेलल भी हो सकती है और लाइन जब पैरेलल होंगी तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फार्मूला दूसरा होता है। ठीक है, तो वो हमने कल डिस्कस किया था। मैंने आपको पहचान भी बताया था कि कैसे पहचाने कि लाइन पैरेलल है या स्क्यू है। एक क्वेश्चन में लिख रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 गिवन बाय R इज इक्वल टू I प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k, R इज इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस न्यू टाइम्स 4i प्लस 6j प्लस 12k का फॉर इन 2014 में 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले अपना ये जो यहाँ पे जो वेक्टर लिखा होता है ना कांस्टेंट के बाद, इसको हम ध्यान से देखते हैं। अगर यहाँ ध्यान से देखें, 2/4 का मतलब हो गया 1/2, 3/6 का मतलब हो गया 1/2 और 6/12 का मतलब हो गया 1/2। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स कैसे पैरेलल है। ठीक है, अब अगर ये वेक्टर पैरेलल है, ये वेक्टर जो होता है ना R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा भी, ये जो वेक्टर होता है ना ये लाइन के पैरेलल होता है और ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है। मतलब पहला वेक्टर, ये वाला वेक्टर L1 लाइन के पैरेलल है, ये वाला वेक्टर L2 लाइन के पैरेलल है और ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों लाइन भी आपस में क्या है, पैरेलल लाइन से है। तो स्क्यू लाइन वाला फार्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग निकालेंगे फार्मूला कौन सा लगाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, लाइंस का इक्वेशन होता है R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 लैम्डा B एंड R इक्वल टू A2 प्लस न्यू B। अगर लाइन ऐसी हो तो ये सेम होता है BB, ठीक है ना, या किसी रेशियो में होता है। तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है कि मॉड ऑफ बी क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो अब देखिए मुझे यही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले देखिए एक काम करिए आप, मुझे बी इस्तेमाल करना है। यहाँ पे बी एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं है बल्कि रेशियो में है। एग्जैक्टली सेम आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 न्यू बन जाएगा, 2 न्यू को नाम दे दिया जाएगा न्यू डैश। ठीक है, वो भी तो कॉन्स्टेंट हो, यहाँ पे 2i हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 3g हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 6k हो गया। इसको आप एक लाइन में लिख के दिखा देंगे, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया इसको। अब देखिए ये इस तरीके का हो गया, R इक्वल A1 प्लस लैम्डा बी, R इक्वल A2 प्लस म्यू बी। ठीक है, तो अब बी की पहचान हो गई आपको। तो अब मॉड अभी आप चेक निकाल सकते हैं, है ना, मॉड अभी निकालने कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 49 का कितना हो गया 7, मॉड अभी तो 7 आ गया। अब मुझे निकालना A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 का मतलब दिस माइनस दिस, तो कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1 की बात करें तो यह आ जाएगा 3i माइनस i, 2i, 3j माइनस 2j, j माइनस 5k प्लस 4k माइनस k, ये आ गया A2 माइनस A1। अब मुझे B क्रॉस A2 माइनस A1 निकालना है, B क्रॉस A2 माइनस A1, इसके लिए हम डिटरमिनेंट बनाएंगे। पहले में क्या लिखेंगे, ijk, दूसरे में क्या लिखेंगे, B के कोफिशिएंट लिखेंगे, B के कोफिशिएंट 236 और A2 माइनस A1 के कोफिशिएंट क्या है, 2 1 माइनस 1, इसको अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा आई कैर इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 माइनस जे इंटू, इसको छोड़ दिया, 2 माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14 और प्लस के कैर इंटू, इसको छोड़ दिया, कितना लगा 2 माइनस 6 माइनस 4। ठीक है, 2 माइनस 6 कितना हो गया माइनस 4, कितना आ गया ये माइनस 9 आई कैर प्लस 14 जे कैर और माइनस 4 के कैर। ठीक है, ये आ गया बी क्रॉस A2 माइनस A1। अब इसका हम क्या लगे, मॉड लेंगे, मॉड ऑफ कितना, मॉड ऑफ माइनस, मॉड ऑफ बी क्रॉस A2 माइनस A1, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसका तरीका कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट
अंडर रूट 293, अब यहाँ पे वैल्यू अगर लग गए तो यह आ जाएगा अंडर रूट 293 और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी, कितना आया था मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 7, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट 293 बाय 7 यूनिट्स, दिस विल बी आंसर। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट द लाइंस x + 1 / 3 इज इक्वल टू y + 3 / 5 इज इक्वल टू z + 5 / 7 एंड x minus 2 by 1 is equal to y minus 4 by 3 is equal to z minus 6 by 5 intersect, दिखाना ये दोनों लाइन intersect करती हैं, also find the point of intersection, Delhi 2014 में question 4 marks में पूछा गया solution। तो देखिए इसका एक तरीका ये हो सकता है कि अगर ये दोनों लाइन intersect करती हैं तो इनके बीच का shortest distance कितना होगा, 0, तो shortest distance का formula लगा दीजिए वो 0 आ जाएगा, इस तरीके से हम कह पाएंगे ये दोनों लाइन कैसी है, intersecting है, लेकिन उससे ये वाला पार्ट हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि also find the point of intersection। उसके लिए तो हम लोग एक ऐसा मेथड निकालेंगे जिसमें हम ये दिखा भी पाएंगे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया कि x plus 1 by 3 is equal to y plus 3 by 5 is equal to z plus 5 by 7 is equal to, मैंने इसको कह दिया कि सपोज c, ठीक, और तो इस लाइन पे कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना होगा, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज इस लाइन पर आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना हो तो कैसे ले सकते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, के टर्म में एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 3k-1, एक्स इज इक्वल टू 3k-1, वाई इज इक्वल टू 5k-3, y is equal to 5k-3 and z is equal to 7k-5, z is equal to 7k-5, ठीक, तो any arbitrary point, एक arbitrary point इस line पे मैंने इस तरीके से लिया। इसी तरीके से दूसरे line पे any arbitrary point on line 2, so this is line 1, this is line 2, can be taken as, सपोज हम इसको कुछ देर के लिए मान लेंगे, मैं रफ कर रहा हूं उसको, मैंने इसको कह दिया सपोज दिस इज इक्वल टू एस, कुछ देर के मैंने कहा कि दिस इज इक्वल टू एस सपोज, होता है यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगी एस प्लस टू, है ना, एस प्लस टू, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3s + 4 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5s + 6, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। अब देखिए अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, है ना, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, सपोज हमने कहा कि इसी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से मैच करवाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से इक्वेट करेंगे और जेड कोऑर्डिनेट को जेड कोऑर्डिनेट से इक्वेट करेंगे, तो के और एस में तीन इक्वेशन बनेंगे, किसी भी दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, के और एस की वैल्यू निकालेंगे, अगर वो के और एस की वैल्यू तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी तो हम कहेंगे ये दोनों लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। आई नो डाटा, तो लाइन 1 एंड 2 विल इंटरसेक्ट इफ व्हाट 3k-1 इज इक्वल टू एस प्लस 2, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट इसकी x कोऑर्डिनेट से मैच कर जाए, यहां से इक्वेशन क्या बना 3k-s इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3, दूसरा y कोऑर्डिनेट से मैच कर जाए 5k-3 इज इक्वल टू 3s + 4, यहां से मुझे क्या मिलेगा 5k-3s इज इक्वल टू 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7 एंड तीसरा क्या बनेगा 7k-5 इज इक्वल टू 5s + 6 और यहां से मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा 7k-5s इज इक्वल टू 6 + 5 दैट इज 11, ठीक है। अब इसमें से किसी भी दो इक्वेशन को आप सॉल्व करिए और उसके बाद जो है r और s की वैल्यू निकाल लें, अगर उसने थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कह देते हैं फर्स्ट, इसको बोल देते हैं सेकंड, इसको बोल देते हैं थर्ड, ठीक। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं।
उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो कितना हो गया 9k-3s = 9 और ये कितना हो गया 5k-3s = 7। सबट्रैक्ट कर देते हैं, -3s + 3s कट गया, 9k-5k कितना हो गया 4k, ठीक है, और 9-7 कितना हो गया 2। तो k की वैल्यू कितनी होगी 2/4, k की वैल्यू कितनी होगी 1/2, k की वैल्यू 1/2 यहाँ रख दें कहीं पर भी रख दें, यहाँ रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 3/2 -3 = s। s की वैल्यू कितनी होगी 3-6 - 3/2, s की वैल्यू कितनी होगी 3-6 - 3/2। तो ये आ गई वैल्यू कितनी k और s की। अब अगर ये k और s अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x और y को तो हमने अपने आप से मैच करवाया, उससे k और s की वैल्यू निकाली, अब अगर वो k और s की वैल्यू इसको थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो हम कहेंगे लाइन इंटरसेक्टिंग है। इस बात को हम लिखेंगे, if these values of r and s will satisfy equation 3, then lines will be intersecting. ठीक है, तो चलिए थर्ड में पुट कर देते हैं। थर्ड क्या है, 7k-5s = 11, k की वैल्यू कितनी 1/2, तो 7/2 - 5, s की वैल्यू -3/2, तो +3/2 = 11। कितना हो गया ये 15/2 और 7/2 कितना हो गया 15 और 7 = 22/2 = 11। दिस इंप्लाइज दैट 11 = 11। Therefore satisfies, therefore ये k और s की वैल्यू सेटिस्फाई करती है, hence lines are intersecting। अब मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो चाहे k की वैल्यू रख दीजिए तो यहाँ पे, और चाहे s की वैल्यू रख दीजिए, दोनों सेंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं k की वैल्यू रख देता हूँ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 3k-2k की वैल्यू 1/2 है, तो 3/2 - 1, 5/2 - 3, 7/2 - 5, कितना आ जाएगा 3/2, 3 - 2, 1/2, और 5 - 6 - 1/2, और 10 - 3/2, दिस विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आंसर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2-1, 5 टू द लाइन x-11/10 = y+2/-4 = z+8/-11। आलिंग 2008 में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा गया था। इसको हम सॉल्व करते हैं, मान लीजिए ये लाइन हमारी है, ठीक है ना, ये लाइन हमारी है, लाइन का इक्वेशन क्या है, x-11/10 = y+2/-4 = z+8/-11। ये पॉइंट है P, जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट कितना है 2-1, 5, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसको हम लोग बोलते हैं फूट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका नाम मैंने Q रख दिया, और Q को सपोज मैं कुछ कह देता हूँ, PQR मैं बोल देता हूँ, ठीक है, PQR मैं सपोज कर लिया, फूट ऑफ परपेंडिकुलर कितना PQR, तो मुझे PQR की वैल्यू निकालनी है, और ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। इसमें दो बातें निकालनी है, फाइंड द लेंथ, तो ये लेंथ हो जाएगा, PQ विल बी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और फूट ऑफ द परपेंडिकुलर ये हो जाएगा PQR। तो देखिए PQR निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, कि देखिए PQR इस लाइन पर लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब x जगह p रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे q रखेंगे, और z की जगह क्या रखेंगे हम लोग r रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, since PQR lies on line 1, this implies that p-11/10 = q+2/-4 = r+8/-11। सपोज इसको हम लैम्डा बोल देते हैं, सपोज दिस इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू 10 λ + 11, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q इज इक्वल टू -4λ - 2,
और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इक्वेट करेंगे माइनस 11 लैम्डा और माइनस 8, आर इज इक्वल टू माइनस 11 लैम्डा माइनस 8, ठीक। तो ये पी क्यू आर आ गया। अब देखिए सिर्फ लैम्डा अगर आ जाए तो हम पी क्यू और आर की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, और जब ये आ जाएगा तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम लोग पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग लैम्डा को निकालने का बंदोबस्त करते हैं कि लैम्डा को कैसे निकाला जाए, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या कहा, देखिए इस ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है, 10 माइनस 4 और माइनस 11, डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल टू 10 माइनस 4 माइनस 11। अच्छा, अब PQ लाइन का हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ लाइन। तो देखिए जब किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना हो और उसमें दो पॉइंट दिए हो तो बस कुछ करना नहीं है, फार्मूला लगा देना है x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट कर देना। p-2 पहला इसका डायरेक्शन रेशियो, p-2 q+1 और तीसरा r-5। अब देखिए ये जो PQ लाइन है और ये लाइन जो गिवन है जिसका नाम L है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। इस बात को हम कैसे लिखेंगे, सिंस गिवन लाइन एंड PQ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इंप्लाइज दैट, फार्मूला क्या होता है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं और पहले का डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1, दूसरे का a2 b2 c2, फार्मूला क्या लिखते हैं, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। a1 a2 1 को कैंसिल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10p - 20 - -4q - 4 - 11 से करेंगे -11r + 55 = कितना, 0, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, p की वैल्यू दी हुई 10λ + 11, इसमें 10p मुझे निकालना है, तो 10 करूँगा कितना आ जाएगा, 100λ + 110 - 20 - 4q, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर, माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा +16λ और +8, ठीक है, और माइनस कितना 4। आप समझ रहे हैं ना, मैं पी क्यू और आर की वैल्यू यहाँ से रख रहा हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। कितना आ गया -4 और -11, आ माइनस 11 करेंगे कितना जाएगा +121λ और +88 और प्लस कितना 55 = कितना जाएगा, 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, अगर मैं इसको आगे कैलकुलेट करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, दिस इंप्लाइज दैट 100λ और फिर 16λ, 116 और 121 कितना हो गया, 237λ। कांस्टेंट की बात करें तो 110 - 20 कितना हो गया, 90 और 8 - 4 कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 94 और 88 और 55, 94 88 और 55 कितना जाएगा, 237, ठीक है। तो यह आ जाएगा दिस इज इक्वल टू +237 + 237 = कितना, 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू -1। अब हम यहाँ पर रख देंगे तो पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो देखिए अगर मान लो ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो पी कितना आ गया, लैम्डा -1 रखे तो -10 - 10 + 11 मतलब कितना आ गया 1, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, -1 रखेंगे तो 4 - 2 = 2 और आर की वैल्यू कितनी आ गई, 11 - 8 = 3। रूट ऑफ परपेंडिकुलर, रूट ऑफ परपेंडिकुलर जो कि कितना था पी क्यू आर, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, 2, 3, ठीक। अब हमें डिस्टेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब देखिए वो जो पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट कितना था, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा था, अगर हम बात करें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की, तो वो था 2 - 1 - 5 2 - 1 - 5 2 - 1 - 5
और पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ गया 1, 2, 3, तो इसके इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं अंडर रूट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर x2 - x1 का होल स्क्वायर दैट इज 1 प्लस y2 - 1 -1 - 2 - 3 - 3 का स्क्वायर 9 और 5 - 3 - 2 का स्क्वायर 4 9 + 4 - 13 + 1 अंडर रूट 14 यूनिट्स। तो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आया वो आ गया अंडर रूट 14 यूनिट्स और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ गया 1, 2, 3। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसी में अगर इमेज लिया होता तो इमेज भी हम निकाल सकते थे। इमेज की प्रॉपर्टी ये होती है कि जितने दूरी पे ये ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे क्या बनता है ये बनता है हमारा इमेज बनता है, तो मतलब ये मिड पॉइंट होता है। तो इसका मिड पॉइंट निकाल के हम लोग जो है ना ये पॉइंट दिया रहेगा और इसको हम लोग सपोज कर लेंगे P, Q, R ये पॉइंट सपोज 1, 2, 3 दिया है, इसका मिड पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे और इसको लाइन में पुट कर देंगे। एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा और दूसरा इक्वेशन ये मिलेगा कि इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल दें, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो में पता ही है, तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 से एक इक्वेशन मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इमेज का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लासेस में इसके आगे की बातों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।